नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम इस समय मज्जिम निकाय के सूत्रों पर धर्म की चर्चा कर रहे हैं, धर्म का उपदेश सुन रहे हैं। सम्मादिट्ठि सूत्र पर हमने गत सप्ताह लगभग 4 मुद्दों पर हम लोगों ने बातचीत की है, बाकी अभी बाकी है, 4 से ज्यादा किए हैं शायद से। तो सम्मादिट्ठि सूत्र में क्या बताया है? सम्मादिट्ठि सूत्र में सारिपुत्त भंते जी ने भिक्षुओं को कि कैसे कोई व्यक्ति श्रोतापन्न बनता है, सम्मादिट्ठिवान बनता है, कैसे कोई व्यक्ति, कोई आर्य श्रावक जो है धर्म में आया हुआ समझा जाता है, कैसे कोई श्रावक धर्म के प्रति अचल ऐसी श्रद्धा से संपन्न हो जाता है करके पूछने पर सारिपुत्त भंते जी ने भिन्न भिन्न तरीकों से धर्म का उपदेश दिया, जिसमें से एक था कि कुशल और अकुशल को पहचान जाए, इतने से कोई श्रोतापन्न बन सकता है। उसके बाद में सारिपुत्त भंते जी ने कहा, यदि कोई भोजन को जान जाए, हम जो भोजन करते हैं तो इस भोजन को यदि समझ ले तो उस कारण से भी कोई व्यक्ति श्रोतापन्न बनकर निर्वाण के मार्ग पर अग्रगामी हो सकता है। फिर सारिपुत्त भंते जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति दुख को समझ ले कि ये दुख है, इस संसार में, इस संपूर्ण भौतिक जग में दुख विद्यमान है और ये दुख क्या है, तो इसे यदि इस कोई जान ले तो इस दुख को जानने के कारण भी वह सम्मादिट्ठि को संपूर्ण करके धर्म मार्ग पर चलते हुए, मुक्ति के पथ पर चलते हुए वह श्रोतापन्न बन सकता है। फिर सारिपुत्र भंते जी ने कहा कि कैसे कोई जरा मरण जो है, दुख को जानने के बाद जरा मरण को जान जाए, तो जरा मरण को जानने वाला व्यक्ति, यह व्यक्ति भी श्रोतापन्न बनता है, धर्म पर चलता है, निर्वाण को प्राप्त करने लायक पात्र बनता है। उसके बाद में पूछा कि जाति क्या है, जन्म कैसा है। तो जन्म को यदि कोई जान जाता है, जन्म के समुदाय को जान जाता है, जन्म के निरोध को, जन्म निरोध गामी प्रतिपदा, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, इसे यदि कोई जान जाता है, समझ लेता है, अनुभव कर लेता है, आत्मसात कर लेता है, इतने मात्र से वह श्रोतापन्न बन सकता है। तो हमने वहां तक देखा था, है ना, तो जाति तक देखा। आज हम लोग बाकी का सूत्र जो है सम्मादिट्ठि, इस सूत्र पर देखेंगे। हम जो बता रहे हैं इसमें शायद एक हाथ शब्द का अर्थ आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, थोड़ी बहुत यदि आपको लगता है कि हाँ बाकी भिक्षुओं ने इसके ऊपर भिन्न तरीके से बताया और वो ज्यादा सुंदर लग रहा है या फिर ज्यादा सटीक, तो इसमें भंते धम्मसेन की गलती हो सकती है, क्योंकि समझाने के अंतर में दोष में वो आ सकता है। परंतु धर्म परिशुद्ध है, इस धर्म पर किसी तरह से शंका आपके मन में जागनी न चाहिए, क्योंकि इसमें क्या कहा है, धम्मे अवेच्य प्रसादेन समन्ना, को धर्म के प्रति अचल ऐसी श्रद्धा से उत्पन्न होना है, ठीक है, तो उसके बारे में है। देखते हैं क्या कहते हैं सारिपुत्र भंते जी को कहते हैं कि भंते, यदि और कोई ऐसा तरीका है जिससे कि श्रोतापन्न बना जा सकता है, तो सारिपुत्र भंते जी कहते हैं कि सिया आउसो, कि हाँ आयुष्मान, एक और तरीका है। यतो को आउसो आर्य श्रावको भवन च पजानाति, भव समुदयं च पजानाति, भव निरोधं च पजानाति, भव निरोध गामिनी पटिपदं च पजानाति, एतावतापि को आउसो आर्य श्रावको सम्मादिट्ठि होती उजुगतस्य उजुगतस्य दिट्ठि धम्मे अवेच्य प्रसादेन समन्नागतो आगतो इमं सद्धम्मं। क्या कहते हैं सारिपुत्र भंते जी? सारिपुत्र भंते जी कहते हैं भिक्षुओं को कि भिक्षुओं, यदि कोई आयुष्मान, यदि कोई भव को जान जाए, भव कैसे बनता है इसे जान जाए, भव कैसे खत्म होता है इसे जान जाए, और इस भव को खत्म करने का मार्ग क्या है इसे यदि जान जाए, समझ ले, तो इतने मात्र से वह आर्य श्रावक जो है सम्यक दृष्टिवान समझा जाएगा।
रुजू मार्ग पर अपनी दृष्टि को रुजू कर लिया है ऐसा समझा जाएगा। धर्म के प्रति अचल ऐसी श्रद्धा में आया हुआ कहा जाएगा। आगतो इमं सद्धर्मं, इस धर्म के अंदर भीतर आने वाला कहा जाएगा। तो सारिपुत्र बनते चाहिए कि कौन क्या है, यह भव क्या है, भव का समुदय क्या है, भव का निरोध क्या है, भव निरोध गामनी प्रतिपदा क्या है। तो भगवान सारिपुत्र कहते हैं, बंते जी कहते हैं कि तयो में आउसो भवा, कितने प्रकार के भव बताए हैं, तीन प्रकार के भव बताए हैं। एक है काम भव, पहला होता है काम भव, दूसरा है रूप भव, तीसरा है अरूप भव। ये तीन तरह के भव बताए हैं। काम भव क्या है, तो ये चार अपायों से लेकर तो यह देवताओं के लोक तक जो है, यह काम भोगने वाले लोक हैं, तो इनको कहते हैं काम भव। इन भव में जन्म लेना, दिव्य लोक में जन्मने की इच्छा हो जाना आदि, इस तरह से देखा जाए तो यह काम भव हो गया। रूप भव क्या है, शरीर में दिव्य लोक से ब्रह्म लोक जो आगे जो आने वाले जो दिव्य लोक है उसमें रूप भव, शरीर का बने रहना। हम लोग देखो ना, अपने ज्ञातियों को, अपने रिश्तेदारों को मृत्यु उपरांत भी जीवित स्वरूप में देखने की इच्छा रखते हैं, फोटो को निहारते रहते हैं, तो किसी न किसी आकार से इस संसार में रूप स्वरूप में बने रहने की इच्छाएं तो है। तो ये रूप भव है, यानी भव क्या है, जन्मने की जगह। तो एक काम लोक में जन्म लेते हैं, एक रूप लोक में जन्म लेना है, एक अरूप भव, अरूप लोक में जहां पर रूप बहुतांश नहीं है, तो बहुत दीर्घकालिक देवताओं का जन्म है, ऐसे अरूप भव में भी जन्म होता है। ये तीन प्रकार के भव हैं। सारिपुत्र बंते जी कहते हैं कि भव पैदा कैसे होता है, तो कहते हैं उपादान के कारण, उत्पत्ति के जो कारण है, जन्म लेने के जो सहायक पुष्टि का कारण है, इन उपादानों के कारण ही, इन उपादानों के कारण भव होता है। यानी ये भव अपने से अस्तित्व में नहीं आता, ये किसी दूसरे का नहीं दिया है, ये किसी ने आपको आपके हाथों में नहीं सौंपा है, किसका किया है, अपना है, स्वयं के द्वारा। कैसे, तो उपादान के सृजन से, उपादान जैसे हमने बनाए, उपादान से क्या होगा, भव बनेगा। यदि उपादान का निरोध कर दे तो भव समाप्त हो जाए। कहते हैं उपादान को समाप्त करने के लिए या भव को खत्म करने के लिए मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग है। कहते हैं कि इतने से वो सम्मादिष्टवान हो जाएगा, धर्म में आ जाएगा करके, यदि वह इसको जानता है। क्या कहा है फिर, कि यदि इस प्रतिपदा को जानता है, सब सो रागानुसयम, जो राग है बंधन है, इस राग को तोड़कर संपूर्ण दुख को समाप्त करने वाला व्यक्ति बन जाता है करके वहां कहा गया है। फिर ये एक तरीका हो गया। उसके बाद भंते जी लोग पूछते, भंते क्या यही एक तरीका है, इसके अलावा नहीं है? तो सारिपुत्र भंते जी कहते हैं एक और तरीका है। क्या कहते हैं सारिपुत्र भंते जी, कि यदि कोई आर्य श्रावक ये उपादान, जिस उपादान के कारण भव बनता है, इस उपादान को यदि कोई समझ ले, उपादान कैसे बनता है इसे समझ ले, उपादान कैसे खत्म होता है इसे समझ ले, उपादान खत्म करने का मार्ग है इसे समझ ले, इतने से वह आर्य श्रावक श्रोता बनना है करके कहा। कैसे, तो फिर सारिपुत्र भंते जी कहते हैं कि ये क्या है, उपादान क्या है, उपादान का समुदय क्या है, उपादान का निरोध क्या है, निरोध का अग्नि मार्ग क्या है। तो कहते हैं चत्तारि मानि आउसो उपादानानि, चार प्रकार के उपादान हैं। कितने प्रकार के उपादान हैं, चार प्रकार के, इनको ध्यान में रखो। आप में से यदि कोई व्यक्ति अभिधर्म को समझने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए विशेष करके सम्मादिट्ठि सूत्र है, इसे जो समझ ले ऐसा समझना कि उसमें से आधा हिस्सा उसने ज्ञात कर लिया है करके। क्या कहते हैं कि चार प्रकार के उपादान हैं। कौन कौन से चार प्रकार के उपादान हैं, काम उपादान, काम के लिए जो उपादान बनते हैं वह काम उपादान, दिट्ठुपादान दृष्टि से उत्पन्न होने वाले उपादान, शीलब्बत उपादान
शील के बारे में जो दृष्टियां बनाई जाती है वह उपादान अत्वादुपादान, अत्वादुपादान यानी आत्मदृष्टि जो है, इन इन चार उपादानों के कारण जन्म होता है, इन चार उपादानों के कारण भव बनता है। तो क्या है ये काम उपादान? भोगने की इच्छा से, लालसा से किया जाने वाला काम। समझ रहे हैं? जैसे किसी व्यक्ति को किसी चीज की आस आ जाए, चाहत हो जाए, तो उसे पाने के लिए, भोगने की इच्छा है ना, उसे पाने के लिए जिस तरह से काम किया जाता है, जिसका प्रयास किया जाता है, उसे कहते हैं काम उपादान। वो प्रयास जो है, वो प्रयास के उस प्रयास जो काम का उपादान है, उसे भोगने की तृष्णा के दृष्टि से, या फिर त्यागने के तिरस्कार, मुझे बिल्कुल गंदा लगता है, भद्दा लगता है, नहीं चाहिए मुझे, इससे दूर भागना है, इसके लिए जो तैयारी है वह है काम उपादान। दिट्ठी उपादान क्या है? दृष्टियों में बंधे रहना। दृष्टियों में क्या बंधे रहना है? कि यदि कोई व्यक्ति सोमवार करता है तो उसकी पीड़ाएं दूर हो जाएंगी। दृष्टियों में बंधे रहना है कि तुम यदि भूत प्रेतों का आह्वान करते हो तो तुम उसे गुलाम गुलाम बना सकते हो। वो जो है उस दृष्टियों में बंधे रहना। धर्म के लिए, मुक्ति के लिए जो है, ईश्वर की सहायता के बगैर मुक्ति नहीं मिल सकती, वह है। वो सारी जो काम में आते हैं, दृष्टि में आती है। दिट्ठी उपादान का एक सुंदर सा भाव ये भी है, भगवान के समय में कुछ नर्तक, नृत्य करने वाले लोग भगवान के पास है, तो भगवान को पूछते, भगवान हमारे शास्त्रों में लिखा है, हम सबका शास्त्र नृत्य शास्त्र में लिखा है कि यदि कोई मनमोहक दृष्टि से दूसरों का मन मोह ले, ऐसे मनमोहक तरीके से नृत्य कर कर किसी को विक्षिप्त अवस्था तक भी ले जा सकता है, यानी इतना मोहित कर दे, तो वो मोहित करने वाला व्यक्ति जो है, वो जो नर्तक है, वह मृत्यु पर्यंत ऐसे स्वर्ग लोक में जन्म लेता है करके हमारे शास्त्र में लिखा है। भगवान आप तो सब जानते हैं, सब देखते, क्या सत्य है? तो भगवान कहते, मुझे मत पूछो। भगवान कहते, इसका प्रश्न मत पूछो, इसकी आवश्यकता नहीं। फिर भगवान जब वो कहते हैं कि भगवान आपके बताने के कारण हमें किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी, और ना ही हमें क्या कहते हैं उसे, आपके प्रति श्रद्धा में कमी नहीं आएगी, तो ठीक है। कहते हैं, बताते हैं, क्या बताते हैं कि यदि कोई ऐसी दृष्टि धारण करता है कि नृत्य से किसी को मनमोहित कर दे, तो वह इस लोक स्वर्ग लोक में जाता है। भगवान कहते हैं कि उस दृष्टि के कारण, इस दृष्टि को पकड़ने रहने के कारण वो मृत्यु पर्यंत ऐसे ऐसे निरय लोक में जाता है। नृत्य करना ये आनंद का भाग हो गया, परंतु नृत्य कर कर किसी में कामुकता को जगाकर मैं स्वर्ग जाऊंगा, ये दृष्टि पकड़ना, ये नहीं, नृत्य करने वालों के लिए भगवान ने नहीं कहा है कि कोई गलत है करके, वो तो नाचने का काम कर रहा है, वो गा रहा है, मन अपना मन बहला रहा है, वो ठीक है, वो अलग बात हो गई, परंतु ऐसी कोई दृष्टि धारण कर ले कि मुझे ऐसे नृत्य करने के कारण मुझे यहाँ जन्म मिलेगा, इस दृष्टि के कारण वो जो कार्य करता है वो दिट्ठी उपादान में आ जाता है। समझ रहे हैं? दिट्ठी उपादान, वो सीलबद्ध उपादान जो है, वह इस दृष्टि के कारण ही जाता है, एक तरह से देखा जाए। सीलबद्ध उपादान क्या है? कि मैं वेजिटेरियन हूं, मैं शाकाहारी हूं, ये शाकाहारी ही मोक्ष के लिए काम आएगा। मैं बगैर चप्पल के जीवन जीता हूं इन दिनों, तो मैं मोक्ष के काम आऊंगा, ये मेरे मोक्ष के लिए है, ये मेरे मुक्ति के लिए है करके सीलों का भाव बनाता है। यही ये जो सील है जिनका मैं पालन कर रहा हूं, ये सील ऐसे ही है, बाकी जो कर रहे हैं उन सीलों का कोई भाग नहीं करते। आज वर्तमान में देखो, अभी मुझे इस समय लगभग भारत भर में सभी लोग, जितने भी युवक है, विशेष करके पॉडकास्ट के बड़े आदी हो गए हैं, है ना, भिन्न भिन्न लोगों का पॉडकास्ट सुना जाता है, और इस भिन्न भिन्न पॉडकास्ट में आपको कुछ चीजें प्रमुखता से देखने को मिलेगी है। एक है तंत्र विद्या के बारे में, भूत पिशाचों के बारे में है ना, तो इनके बारे में सुनकर, जानकर, इसमें जो दृष्टि बनाई जाती है कि ऐसा ऐसा करने से ये होता है, वो कायम में जाता है, ये सीलबत में आता है, दिट्ठी उपादान में आता है। ये सीलबत उपादान
दृष्टि का उपादान बनने से क्या होगा? वो बनने से वैसे वैसे जन्म को जगह देता है, भव की उत्पत्ति करता है। समझ में? अत्तवाद उपादान क्या है? अत्तवाद उपादान क्या है? अत्तवाद यानी मैं, मेरा, मेरी आत्मा, हम में है, मुझ में है, आप में भी है। क्या है? हर चीज में ये मेरी आत्मा है। अभी वर्तमान में आप जस्ट अपने से स्वयं से पूछ के देखो कि देखो बहुतांश समय कैसे होता है, बात करते करते समय हमारे व्यवहार धर्म भी आता है, आत्मा के बारे में जो बैठा हुआ, आत्मा के बारे में हम जो बिठा कर रखे, वो इतना भयानक है, कैसे होगा? तो इसीलिए वो आत्मा का भाव टूटना बड़ा मुश्किल है। देखो ना, भगवान ने 2,500 साल पहले कहा, नेसो मम नेसो अमस्मिन् नमेसो अत्ताति, न मैं हूं, न मेरा है, न मेरी आत्मा है करके। तो विक्षिप्त हो गए, अरे भगवान तो अनात्म के बारे में बोलते हैं। देखो आत्मा का उपादान कितना बैठा हुआ है। कुछ पीएचडी करने वाले छात्रों के साथ हमारी बातचीत हुई थोड़ी सी, तो कहते कि भंते, बुद्धिज्म में भी पीएचडी करते समय यदि कह दे हम कि आत्मा नहीं है, तो हमको रिराइट करने के लिए बोलते हैं, डबल लिखने के लिए बोलते हैं। आत्मा नहीं है करके ये भाव लिखने पर ये जो बाकी जो गाइड्स है वो सहायता नहीं करते हैं, बोलते क्यों? क्योंकि एक दृष्टि बनाई बन जाती है, वो कैसा होगा आत्मा? फिर क्या कहा जाता है? जन्मों जन्मों में जन्म लेने के लिए, जन्मों जन्मों का जो भाव आता है आत्मा की दृष्टि से वो बनता है। तो ये अत्त उपादान जो है कि ये मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा का भाव धरते ही उपादान बनता है। तो इन चार कारणों से ही, भोगने की इच्छा से, दृष्टि के कारण, शील के विपर्यास के कारण और आत्मदृष्टि से, इन चार दृष्टि के कारण ही भगवान सारिपुत्र बंदी जी कहते हैं कि उपादान यानी भव बनता है। उपादान के कारण, इन चार उपादानों के कारण ही भव बनता है, जन्म की जगह बनती है। भव यानी जन्म के लिए सही जमीन, जैसे ऐसा समझ लो कि ये क्या कहता है, तो फर्टिलाइज करता है मिट्टी को, बीज बोने के लिए योग्य जगह जो है वो है ये उपादान। इसी के कारण भव बनता है, मिट्टी बनती है। मिट्टी के कारण क्या होता है? पौधा अंकुरित होता है और जन्म होता है, ऐसा समझो। तो हम लोग उस तरह से देखा जाए तो ये है। सारिपुत्र बंदी जी कहते हैं कि यदि कोई इसे ये जान जाता है, ये है, इसका उपादान क्या है, इसका कारण क्या है, कैसे उपादान बनते हैं, तो कहते तन्हा के कारण, तृष्णा के कारण ही। तृष्णा है इसीलिए भोगने की इच्छा जागती है, भोगने का उपादान बनता है। तृष्णा है इसीलिए दृष्टियां बनती हैं। हम देखते हैं ना कि हमारे बात यानी हम किसी व्यक्ति से रिलेट करना चाहते हैं, किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखते हैं तो उसकी बात हमारी बातों से जुड़ती है तो हम उसकी प्रशंसा करेंगे। अब जैसे मैं इस धर्म का उपदेश कर रहा हूं, यदि यह आपको समझ में आता है और आपको लगता है कि हाँ ये तो बड़ा है, अच्छा है, मेरी दृष्टि में अच्छा, मुझे अच्छा रुच रहा है मुझे, तो आप कहेंगे भक्ति श्री धम्म सेन तो बढ़िया प्रवचन करते हैं, ठीक है, इतना कहेंगे। परंतु यदि आपकी दृष्टि में नहीं भाता, आपकी दृष्टि है और बंदे जी बोल दे कि नहीं नहीं धर्म में ऐसा नहीं बताया, तो आप कहेंगे हाँ बोलते तो अच्छा है पर है तो गलत, मुझे नहीं सूझता, मुझे नहीं रुचता। क्यों? क्योंकि दृष्टियों में उस तरह से बंधे हैं। अपनी दृष्टि से हम देखने की कोशिश करते कि हाँ ये सारी चीजें हमारे अनुकूल है या नहीं, वो हो गया दृष्टि के कारण, तृष्णा के कारण वो दृष्टि जागती। तृष्णा क्या है कि अपनी बात को मनवाना। वो उसके बाद में कहा है, तृष्णा के कारण ही शीलवत परामर्श जागता है, तृष्णा के कारण ही आत्मवाद जागता है, मैं, मेरा, मेरी आत्मा, तृष्णा के कारण, तन्हा के कारण ही, तृष्णा के कारण मैं, मेरा, मेरी आत्मा जो जागती है वो कैसे? किसी को आज पूछ के देख लो कि कोई ऐसा मंत्र बता दे कि इससे आप संपूर्ण भव से मुक्त हो जाएंगे, पुनः आपका कोई भी अंश बचा नहीं रहेगा, और उसे कहे कि 2 दिन तक चिंतन करो केवल इस बात पर कि तुम आज के बाद मुक्त ही हो जाओगे, तुम जिंदा ही नहीं रहोगे, तो पहले क्षण भर में तो बोल देगा कि ठीक है मुझे चाहिए, पर जैसे जैसे वो चिंतन करते रहेगा कहेगा कि अरे
मैं इतने जन्मों से बना हुआ हूँ, ये सब कुछ मेरा है, ये सब कुछ, ये तो बढ़िया है कि बुद्धिज्म का इस्तेमाल कर कर मैं देवलोक में चले जाओ, पर तुम मुक्त हो जाओ ये नहीं चाहते। इसीलिए इस लोक में परमात्मा की बातचीत होती है, इसीलिए इस लोक में अपनी इस आत्मा का, उस परमात्मा के आत्मा में विलीन होने का भाव जो कहा जाता है, इसी बने रहने के लिए आत्मदृष्टि के कारण। तो ये तृष्णा के कारण जागती है, इस बात को समझो। सारिपुत्र भंते जी कहते हैं इस तृष्णा का खत्म होते ही ये खत्म हो जाएगी, और तृष्णा को खत्म करने का मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग। फिर कहते हैं भंते जी, लोग पूछते हैं कि भंते ये इसके अलावा भी कोई मार्ग है, तो कहते हैं कि हाँ इसके अलावा भी कोई श्रोतापन्न बन सकता है दूसरी तरह से, तो क्या है? कहते हैं कि यदि कोई तृष्णा को जान जाता है, तृष्णा कैसे बनती है, समुदाय को जान जाता है, तृष्णा का निरोध जो है उसको तो जान जाता है, तृष्ण निरोध गामिनी तन्ना निरोध गामिनी पटिपदं च पजानाति, तृष्णा का निरोध जैसे होता है उसको जान जाता है, तो कैसे? कहते हैं कि कतमापनाउसो तन्ना, ये तृष्णा क्या है, तृष्णा का समुदय क्या है, तृष्णा का निरोध क्या है, तृष्णा का निरोध करने का मार्ग क्या है? तो कहते हैं छही में आउसो तन्ना का, तन्हा जो है छह प्रकार की तन्हा काया है। क्या कहा है? छही में आओ सो तन्हा काया, छह तरह से तृष्णा को कहा गया है। तो ना तृष्णा बगैर किसी चीज के नहीं, इसकी काया है, इसे किसी चीज से बनती है, इसकी काया है, वो कौन कौन सी है? तन्हा काया कहा है, इस शब्द को ध्यान में रखना, तन्हा काया। यदि कोई कहे कि तृष्णा कहाँ जागती है, ये तृष्णा क्या है, तो कह देना तृष्णा ये बाहरी चीज में नहीं जागती, कृष्णा की काया जो है तो वो क्या है, कहा है रूप तन्हा, रूप के प्रति तृष्णा जागती है, सद तन्हा शब्द के प्रति तृष्णा जागती है, गंध तन्हा सुगंध के प्रति तृष्णा जागती है, रस तन्हा रस के प्रति स्वाद के प्रति तृष्णा जागती है, पोठब्ब तन्हा स्पर्श के लिए, ये जो शरीर है इसके स्पर्श के लिए तृष्णा जागती है, कहा है धम्म तन्हा मन में चिंतन जो कुछ होता है, फेनोमिना जो चलता है इसके प्रति तृष्णा जागती है, ये तृष्णा की काया है। तन्हा काया कहाँ है, कौन कौन सी, रूप के प्रति, आंखों से जितना देखा जाता है उन सभी रूप के प्रति तृष्णा जागती है। कोई अंधा व्यक्ति है तब भी वह क्या करता है, महसूस करने की कोशिश करता है, विजुअलाइज करता है इस रूप को, उस तरह से देखो, चाहे रूप आंखों से दिखाई ना दे, चाहे अंधेरा ही क्यों ना हो, परंतु फिर भी बाकी उसकी दृष्टि तृष्णा तो काम कर रही है, चखने की तृष्णा है, हमारे जिह्वा पर जो स्वाद आता है, तो इसे कहा है। इस तृष्णा को दूर करने का कोई मार्ग है क्या, तो कहते हैं हाँ, तृष्णा बनती कैसे है, तृष्णा बनती है वेदना के कारण, वेदना के कारण ही तृष्णा जागती है, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है? यदि वेदना न हो तो तृष्णा नहीं जागेगी। अब जैसा कि कोई व्यक्ति न्यूट्रल, यानी जैसे लेपर कह लो, यानी कुष्ठ रोग जिसे हो चुका है, उसे संवेदनाएं नहीं होती, ठीक है? तो उसे यदि संवेदना नहीं होगी तो ये गर्म है, ये ठंडा है, इसके प्रति उसका भाव जागेगा उस जगह पर, उसका भाव नहीं जागेगा। तो मुझे वो चाहिए नहीं चाहिए इसके बारे में उसे जहां पर वो रोग है वहां कुछ नहीं हो सकता। कोई बहरा है तो उसे, बहरे व्यक्ति को शब्द के प्रति जो तन्ना जागनी चाहिए, तृष्णा जागनी चाहिए, नहीं जाग सकता। कैसे जागे, क्योंकि शब्द ही नहीं सुनाई दे रहा है, तो सुना सुनने में नहीं आ रहा है, तो अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। ऐसे ही देख लो ना कि जैसे आप कहीं जा रहे हो, आपके पीछे कोई नाम लेकर न पुकारे और कोई गाली देते हुए आए, आपने सुना ही नहीं उस शब्द को, तो आपको उस गाली के प्रति क्रोध जन जागेगा क्या? नहीं। पर जैसे ही आपने वो गाली सुन ली और ये पता चल गया कि वो गाली मुझे ही दे रहा है, तो कैसी तृष्णा जागेगी? तो क्रोध से अभिभूत बदला ले लो करके तृष्णा जागे, है ना? वो है, ये वेदना के कारण महसूस होता है, वेदना जागती है, इसीलिए तन्हा जागती है, वेदना नहीं होगी तो तृष्णा नहीं होगी। तो कहते हैं इस तन्हा का निरोध कर दो, ये वेदना का निरोध कर दो तो तन्हा निरोध हो जाएगा। इसे दूर करने का मार्ग क्या है, तो आर्य अष्टांगिक मार्ग है।
आपको लगे या आर्य अष्टांग एक मार्ग क्या है, तो केवल बंते जी ने कहा है कि चार आर्य सत्य को जान जाना, सम्मा संकल्प कि निष्क्रम संकल्प, इतना संकल्प मात्र है। इसमें आजीविका है कि मैं पांच चोरी नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं अपनी आजीविका ऐसे जीऊंगा जिससे कि किसी को दूसरों को हानि ना हो, मैं प्रयास करूंगा कुशल करने का, अकुशल को दूर करने का, मैं चार सती प्रस्थान करूंगा और समाधि का अभ्यास करूंगा, इतना ही है ना आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो ये तो मैं कर रहा हूं, मैं पंचशील का पालन कर रहा हूँ, धर्म को सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या मैं आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चल रहा हूँ? ये आर्य अष्टांगिक मार्ग इतना ही नहीं है, ये दिखने में ऐसा सरल लगे परंतु जैसे जैसे इस पर चलते जाते हैं वैसे 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 ये जो तन्हा है, वेदनाएं जो, ये सब खत्म हो जाती, अरहंत बनना है किसी को, जीवन मुक्त होना है तो इस तृष्णा को खत्म करना पड़ेगा। तृष्णा को खत्म करने का मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग। फिर कहते हैं बंते जी लोग, कहते हैं कि सारिपुत्र बंते जी कहते हैं कि इसको यदि कोई जान जाता है, इसको समझ लेता है, तो वह सभी राग को दूर करने करते हुए दुख को खत्म करने वाला व्यक्ति बन जाता है करके कहा है। फिर कहते हैं बंते जी लोग पूछते कि बंते जी केवल इतना ही, इससे आगे कुछ नहीं? तो कहते हैं सारिपुत्र बंते जी हाँ, इसके अलावा भी है। क्या है? तो कहते हैं कि जो कोई वेदना को समझ ले, अभी वेदना के कारण तन्हा जागी है, सारिपुत्र पंत जी कहते हैं कि यदि कोई वेदना को समझ ले, वेदना बनती कैसे, कैसे उसका समूह होता है, उसको समझ ले, वेदना का निरोध क्या है इसे समझ ले, और निरोध का मार्ग समझ ले, तो वो श्रोतापन्न बन जाता है करके कहा। कतमापनाओ सो वेदना, ये वेदना क्या है, वेदना का समुदय क्या है, वेदना का निरोध क्या है, निरोधगामिनी मार्ग क्या है? तो कहते हैं छई में आओ सो वेदना काया, छह प्रकार की वेदनाएं हैं, कौन कौन सी? चक्षु संपस्स जा वेदना, आंखों को आंखों के स्पर्श से होने वाली वेदना, जी सोत संपस्स जा वेदना, श्रोत के स्पर्श से होने वाली वेदना, उसके बाद में कहा है घान संपस्स जा वेदना, नाक के गंध के कारण, घान यानी नाक, नाक से स्पर्श होने के कारण होने वाली वेदना, उसके कहा जिह्वा संपस्स जा वेदना, इस जिह्वा के स्पर्श से होने वाली वेदना, काय संपस्स जा वेदना, इस शरीर के होने स्पर्श से होने वाली वेदना, मनो संपस्स जा वेदना, मन के स्पर्श से होने वाली वेदना। देखो वेदना छह प्रकार से जागती है, कौन कहाँ कहाँ जागती है? तो छह जगह पर जागती है। कैसे कैसे जागती है? तो जब आंख का रूप से स्पर्श होता है तो वेदना जागती है, शब्द का कान से स्पर्श होता है तो वेदना जागती है, मीठा है तीखा है जो भी पदार्थ है जिह्वा पर रखे बगैर, जैसे आप किसी को कुछ तीखा है मीठा है पकड़ लो, तो आप उस मीठे को अपनी त्वचा पर रखो, क्या उसे महसूस होगा? वो वेदना होगी उससे? नहीं होगी। उसके लिए जिह्वा चाहिए कि ये तीखा है, ये मीठा है, ये खट्टा है, ये कड़वा है, जानने के लिए। तो वो जो पदार्थ है वो रस जिह्वा पर रखते ही जो स्पर्श होना है उसे कहते हैं। तो उसके लिए ये छह आयतन होने चाहिए, और छह आयतनों के लिए उपयुक्त इस शरीर में वो इंद्रिय होनी चाहिए, तो उसे कहते हैं। तो ये केवल स्पर्श के कारण ऐसी ही नहीं होती वेदना, किस कारण से होती है? जिह्वा का रस से स्पर्श होने के कारण जिह्वा संपस्स जा वेदना। फिर काय संपस्स जा वेदना, शरीर को जो स्पर्श होता है, किसी का हाथ लगे तो स्पर्श हुआ है, अच्छा है बुरा है प्रिय है नहीं है, ये तब तक ही कह सकते हैं ना जब तक स्पर्श नहीं होगा। स्पर्श होने के बाद ही हमको महसूस होता है कि इस व्यक्ति ने मुझे छुआ है, ये गलत तरीके से छुआ है, इसने छुआ है। माता का, माँ जो है, हम कहते हैं वात्सल्य, जो माता की ममता है, माँ सीने से लगाते ही हमारी आधी तकलीफ कम हो जाती है कि नहीं? माँ की तरह ही कोई हमको सीने से लगाए तो हमारी उतनी वैसी नहीं होती, हम उसमें देखते हैं कि ये स्पर्श कैसा है करके। क्यों? तो
वो स्पर्श जो है, इस स्पर्श के कारण, इस काया के स्पर्श के कारण वेदना जागती, मन के स्पर्श के कारण। अब देखो, मैं यदि कहूं कि यहां कोई गिटार बजा रहा है, कहते ही आपके मन में अभी इस समय गिटार बजाने वाला व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा। किसी का काला गिटार हो सकता है, किसी का लाल हो सकता है, किसी का स्ट्रिंग्स अलग अलग हो सकती है, पर सबके मन में गिटार का जो चित्र आ गया, ये होता है कि कहीं ना कहीं से मन में विचार जाग जाए। तो ये जो उस मन ने क्या किया है, उस विचार का चिंतन किया है और भिन्न भिन्न तरीके से गिटार बनाई। कई साइकिल बोल दे, साइकिल बोलते ही किसी के मन में रेंजर साइकिल आएगी, किसी के मन में पुरानी जो साइकिल आती वो आएगी। उसके बाद बोलने के बाद, मैं तो कैची साइकिल चलाता था, मैं रेंजर चलाता था, वो बैक वाली साइकिल आती थी झुककर चलाने वाली, मैं ये चलाता था करके अपना मन भाग जाता है कि नहीं। तो मन का स्पर्श किसी वस्तु से होते ही, मन का स्पर्श किसी विचार से होते ही वेदना जागती है, और इस वेदना का पुनः 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 चिंतन करने के कारण तृष्णा तक जागती है, तन्हा जाती है। तो कहते हैं कि इस वेदना को इस तरह से 6 तरीके से देखना चाहिए। इस वेदना को यदि खत्म करना है तो किसे खत्म करना पड़ेगा? वेदना बनती कैसे है? तो स्पर्श के कारण वेदना बनती है। यदि स्पर्श नहीं होगा तो वेदना नहीं जागेगी, है ना? तीखा कितना भी सब्जी हो, सब्जी कितनी भी तीखी हो, दुनिया की सबसे वो तीखी जो हैलोपिनो वगैरह आती है, वो भी अपने हाथ में पकड़ के रखो, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। जैसे ही वो जिह्वा पर रख दो, स्पर्श होते ही क्या होगा, वो अपना रिएक्शन दिखाएगी। तो स्पर्श के कारण वेदना होती है। वेदना को खत्म करना है तो स्पर्श को खत्म करना पड़ेगा। इस वेदना को खत्म करने का मार्ग क्या है? आर्य अष्टांगिक मार्ग। उसके बाद सारिपुत्र मंत्री जी कहते हैं ये जो है, ये क्या है, इसी को कहा है, क्या कहा है सारिपुत्र मंत्री जी ने, कि ये जो व्यक्ति है, सो सब सो रागानुसयं पहाय, यह राग को समाप्त करता है, पटिघानुसयं पटि विनोदित्वा, जो क्रोध का चित्त है उसे दूर कर देता है, अस्मिति दिठा दिठि मानानुसयं, जो अस्मि करके मैं मेरा मेरी आत्मा करके जो आत्मभाव है इसकी दृष्टि को खत्म करता है, अविद्या को खत्म कर कर विद्या उत्पन्न होती है, इसी जीवन में देखते ही देखते धर्म को अनुभव कर कर दुख का क्षय कर देता है करके सारिपुत्र मुंशी कहते हैं। भंते जी लोग फिर पूछते हैं, भंते जी क्या एक में भी यही मार्ग है? तो कहते हैं नहीं, यदि कोई व्यक्ति स्पर्श को समझ ले, अभी क्या बताया था अभी तक, वेदना, वेदना कैसे बनती है, स्पर्श के कारण। सारिपुत्र मंत्री जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि स्पर्श को समझ ले तो इस स्पर्श को समझने के कारण भी वो सम्यक दिट्ठिवान बन सकता है। सारिपुत्र मंत्री जी कहते हैं कि छई में आओ सो खस काया, स्पर्श की 6 काया होती है, 6 तरह के साथ स्पर्श होता है। कौन सा है? चक्षु संफस्सो, आंखों का स्पर्श, सोत संफस्सो, सुनने का, कान का स्पर्श, घान संफस्सो, नाक का स्पर्श, जिह्वा संफस्सो, जिह्वा का स्पर्श, काय संफस्सो, काया का स्पर्श, और मन का स्पर्श, मनो संफस्सो। कितने तरह का स्पर्श है? तो 6 तरह का स्पर्श है। आंख को स्पर्श होता है, कान को स्पर्श होता है, घान को स्पर्श होता है यानी नाक को, जिह्वा को स्पर्श होता है, शरीर को स्पर्श होता है, और मन का स्पर्श होता है। ये स्पर्श हो गए। कहते हैं ये स्पर्श बनता कैसे है? आंख, कान, नाक, जिह्वा, काया और मन के कारण। तो कहते हैं कि सला यतन समुदया फस्त समुदयो, 6 आयतनों के होने के कारण ही स्पर्श होता है, अन्यथा नहीं। अंधे की आंखों में स्पर्श नहीं हो सकता, बहरे के कान में स्पर्श नहीं हो सकता, गूंगे की जीभ में हो सकता है, क्योंकि तीखा मीठा समझ में आता है ना, तो वो समझते हैं, वाणी नहीं हो रही, पर ये स्पर्श है। जिसका शरीर बिल्कुल जो महसूस नहीं कर सकता उसमें नहीं हो सकता,
उसमें शरीर का स्पर्श नहीं हो सकता। उसी तरह मन तो सब में है, तो मन का स्पर्श तो सबको होना ही होना है, चाहे जो भी हो। तो कहते हैं कि छह आयतनों के कारण, यदि छह आयतनों को दूर कर दिए तो स्पर्श खत्म हो जाएगा। फिर ये क्या है? तो आर्य अष्टांग एक मार्ग है जिसके कारण ही स्पर्श को दूर किया जा सकता है। फिर कहते हैं बंते जी, कहते हैं सारिपुत्र बंते जी, कि इन स्पर्श को जानने जान जाने के कारण, इस स्पर्श के इस पस्त को दूर करने के कारण ही, धर्म को जान जाने के कारण ही, जो राग द्वेष मोह है इसको खत्म करके इसी जीवन में दुख को मुक्त करने के लिए पात्र बनता है, कर सकता है करके। फिर कहाँ है भंते जी लोग पूछते हैं कि क्या एक कोई और मार्ग है? तो कहते हैं हाँ, एक और मार्ग है। कैसे है? कहते हैं कि सारिपुत्र भंते जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति इस छह आयतनों को जान जाए, छह आयतनों का बोध कर ले, तो उसे उसे सम्यक दिट्ठिवान कह सकते हैं। तो ये छह आयतन कौन कौन से हैं? कतमाप कतमंग पनाउसो सलायतन, कतमो सलायतन समुदयो, कतमो सलायतन निरोधो, कतमा सलायतन निरोध गामिनी पटिपदा। छह ही में आउसो आयतनानि आयुष्मान, छह प्रकार के आयतन हैं। चक्खायतन चक्षु का आयतन है, आँख। सोतायतन कान, घानायतन नाक, जिह्वायतन जिह्वा, कायायतन शरीर, मनायतन मन। ये छह प्रकार के हैं। इन छह प्रकार के आयतनों को अलग से बताने की आवश्यकता है क्या? किसको किसको ये आयतन नहीं है? सबको आयतन है, ठीक है। कहते हैं ये बनते कैसे हैं? तो नाम और रूप के कारण ये छह आयतन आते हैं। जब तक आप में नाम और रूप है, कौन कौन सी चीजें? नाम और रूप है, तो क्या बनते हैं? छह आयतन होते हैं। यदि नाम और रूप नहीं है तो छह आयतन नहीं बन सकते। क्या है ये नाम? तो नाम रूप के निरोध से छह आयतन निरोध हो जाएगा। छह आयतनों को निरोध करने का मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग। बंते जी कहते हैं कि यदि इसको यदि जान जाए, अनुभव कर ले, संपूर्ण ज्ञात कर ले, तो दुखों से मुक्ति के मार्ग पर चलकर इसी जीवन में दुख संत करो होती, दुख को खत्म करने वाला व्यक्ति बन जाता है। ऐसा व्यक्ति सम्मादिट्ठि से युक्त होकर अचल श्रद्धा में आया हुआ, धर्म में आया हुआ व्यक्ति कहा जा सकता है। बंते जी लोग पूछते हैं कि साधु बनते, कहते साधु बनते बनते इसके अलावा भी कोई एक मार्ग है? तो कहते हैं कि हाँ, सिया बनाओ सो है। तो कौन सा है? कहते हैं यतो को आओ सो अर्य साहो को नाम रूपं च पजानाति। नाम रूप को जान जाता है, नाम रूप समुदयं च पजानाति, नाम रूप के समुदय को जान जाता है। निरोधं च पजानाति, निरोध को जानता है, निरोधगामी प्रतिपदा को जानता है। तो ये क्या है? कतमंग पनाह उसो नाम रूप, ये नाम रूप क्या है? तो कहते हैं नाम रूप क्या है, तो दो तरह से विभाजन किया है। क्या क्या? तो वेदना संज्ञा संखा वेदना संज्ञा चेतना फस मनसिकारो इदं उच्चता उसो नामं। ध्यान में रखो, ये नाम और रूप है, इन दो चीजों के कारण हमको आंख मिली है, कान मिला है, नासिका मिली है, जिह्वा मिली है, शरीर मिला है और मन मिला है। किन दो वस्तुओं के कारण? नाम और रूप के कारण। ये नाम और रूप में नाम क्या है? तो नाम एक चार या पांच लोगों का समूह है। कौन कौन से? एक दो तीन चार पांच लोगों का समूह है। कौन कौन सा? वेदना संज्ञा चेतना फस और मनसिकार, इन सब का बना हुआ समूह को कहते हैं नाम। वो जो पहला स्पर्श कहा, पहली जो मन में उठने वाली चेतना है, वो भिन्न है, वो वेदना भिन्न है। ये जो नाम के साथ मल्टीप्लाई होने वाली चलने वाली जो है, ये वेदना संज्ञा चेतना फस और मनसिकार, ये है कहते हैं इदं उच्चता उसो नाम, ये नाम है। और फिर रूप क्या है? चत्तारी च महाभूतानि चतुर्णं च महाभूतानं उपादाय रूपं। इस चार महाभूतों से, चार
ये जो महाभूत हैं, इन चार महाभूत से बना हुआ शरीर, महाभूतानं उपादाय रूपं, उत्पन्न हुआ रूप है। तो चार महाभूत कौन कौन से हैं? पृथ्वी, आपो, तेजो और वायु, मिट्टी, जल, अग्नि और हवा। ये चार महाभूत हैं। इन चार महाभूतों से रूप बनता है, रूप बनता है। ये रूप तब तक ही आगे संसरण कर सकता है जब तक इसके साथ में नाम जुड़ा हुआ है। तो सोच लो, ये नाम और रूप जब इकट्ठा है तो व्यक्ति जीवित है और वह ये सारा का सारा कार्य कर रहा है। कहते हैं यदि कोई नाम रूप को जान जाए, ये नाम रूप बनता कैसे है, तो क्या कहते हैं सारिपुत्र बंदे जी कि विज्ञान समुदया नाम रूप समुदय। विज्ञान के कारण, विज्ञान जो है, हमने देखा है दुखारे सत्य को, देखा है ना, सुना है दुखारे सत्य में अंतिम क्या है, संखितेन पंच उपादान खंडा में आता है। तो विज्ञान उपादान कहा है ना, रूप उपादान है ना, वेदना संज्ञा संखार और विज्ञान उपादान का है। इस विज्ञान के कारण, इस विज्ञान के होने से विज्ञान समुदया नाम रूप समुदय, विज्ञान के कारण नाम रूप बनता है। नाम रूप विज्ञान का निरोध हो जाए तो नाम रूप खत्म हो जाएगा। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण ले लो, ठीक है, कोई दिया जलाना चाहता है, ठीक है, इस दिए को बनने के लिए मिट्टी की आवश्यकता है, इस दिए को बनने के लिए वैक्स की आवश्यकता है, इस दिए को बनने के लिए बाती की आवश्यकता है, इस दिए को जलने के लिए अग्नि की आवश्यकता है। इनमें से एक एक चीजों को हटा दो तो क्या दिया बन पाएगा? ये नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार से ये जो है सारा का सारा प्रपंच जो है, एक एक चीजों को हटा दो, इसके होने से वो हो रहा है, इसके होने से वो हो रहा है, इसके होने से वो हो रहा है। जैसे इसको पकड़ लो कि बीज को पकड़ा है, बीज है, बीज को मिट्टी में बोओगे तो क्या होगा, नमी के कारण, आर्द्रता के कारण उसमें अंकुर आएगा, अंकुर से क्या होगा, वृक्ष बनेगा, वृक्ष से क्या होगा, फिर फूल आएंगे, फूल से क्या होगा, फिर बीज आएंगे, पौधा फल आएंगे, जो कुछ आएगा, फिर बीज बनेंगे, बीज का क्या होगा, पुनः मिट्टी में गिरेंगे। ये है, इसमें से बीज को हटा दो तो बीज केवल मिट्टी मिट्टी में जाएगा नहीं, तो नमी वगैरह की आवश्यकता नहीं। एक एक चीज को हटा दो तो वृक्ष पुनः नहीं बन पाएगा। ये जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है क्या करता है, उसकी एक एक चीज को हटाने का काम। तो कहते हैं कि विज्ञान को खत्म करने से वो खत्म हो जाएगा। फिर क्या है, कहते हैं कि विज्ञान क्या है, विज्ञान कतमांग पनाओ सो विज्ञान, दूसरा जो और एक कोई मार्ग है तो हाँ है, विज्ञान को यदि कोई समझ ले, जान जाए, विज्ञान का बोध कर ले तो वह श्रोतापन्न कहलाएगा। विज्ञान क्या है, विज्ञान का समुदय कैसे होता है, विज्ञान का निरोध क्या है, विज्ञान निरोध का मार्ग क्या है। कहते हैं छई में आओ सो विज्ञान काया, छह तरह का विज्ञान काया है, कौन कौन सी, चक्षु विज्ञान, आंख का विज्ञान है, सोत विज्ञान, श्रोत का विज्ञान है, घान विज्ञान, घान का नाक का विज्ञान है, जिह्वा विज्ञान, जिह्वा का विज्ञान है, काय विज्ञान, काया का विज्ञान है, मनोविज्ञान, मन का विज्ञान है। ये विज्ञान क्या करता है, ये विज्ञान क्या करता है, जन्म के लिए बीज बोता है। जन्म यानी ऐसा समझो कि बीज को अंकुरित करने के लिए विज्ञान काम करता है, उस तरह से समझ सकते हो, उसकी पाने उसको पाने के लिए, उस तरह को पाने के लिए ये बीज को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो बीज नहीं है ये विज्ञान, उस तरह से एक तरह से बीज भी नहीं, अविद्या बीज कहाँ है भगवान ने, ठीक है, अविद्या ही बीज है। तो विज्ञान को इस तरह से देखने के लिए कहते हैं कि यदि विज्ञान को यदि कोई समझ ले तो वो श्रोतापन्न बन सकता है। विज्ञान कैसे बनता है फिर, तो कहते हैं कि संस्कार के कारण, संखार समुदय विज्ञान समुदयो, संखार निरोधा विज्ञान निरोध, विज्ञान अपने से नहीं बनता, विज्ञान बनने के लिए आवश्यकता होती है संखार की, तो संखार है तो विज्ञान बनेगा। कहते हैं कि यदि कोई इसको यदि विज्ञान को दूर करना है तो कैसे करना पड़ेगा, तो आर्य अष्टांगिक मार्ग का लाभ लेना पड़ेगा, फायदा उठाना पड़ेगा, उस वही एक में मार्ग है। फिर सारे पुत्र बंति चुप, कहते कोई और मार्ग है, हाँ क्या है,
यदि कोई व्यक्ति विज्ञान को संखार को संस्कार क्या है, संस्कार को जान जाए, संस्कार के समुदाय को जान जाए, उसके निरोध को जान जाए, उसके मार्ग को जान जाए, तो हो सकता है। तो कितने प्रकार के संस्कार हैं? तो कहते हैं तयो में आओ सो संखारा, तीन प्रकार के संस्कार हैं, तीन ही प्रकार के संस्कार हैं। कौन कौन से? काय संखारो, वची संखारो और चित्त संखारो। काया का संस्कार तो आंख कान नाक जिह्वा शरीर, ये जो है इससे होने वाले संस्कार, इसको क्या कहते हैं? काय संस्कार। हमें ग्रीवा मिली है, बात करने की शक्ति मिली है, इससे जो बोलते हैं हम तो गाली गलौज देंगे तो उसका संस्कार है, मधुर वाणी बोलेंगे तो उसका संस्कार है, समझे? तो वाणी से किए जाने वाले ये संस्कार, ये संस्कार क्या है? तो चित्त संस्कार, मन में उठने वाले संस्कार, मन के चिंतन से जागने वाले संस्कार, ये उसको कहते हैं चित्त संस्कार। सारिपुत्र पंडित जी कहते हैं कि अविद्या समुदया संखार समुदयो, अविद्या के होने के कारण संस्कार होते हैं। अविद्या निरोधा संखार निरोधो, अविद्या के खत्म होने से संस्कार खत्म हो जाते हैं। ठीक है, देखो ना कैसे संस्कार बनते हैं, देखो अविद्या के कारण बनते हैं, अविद्या के कारण कैसे? देखो काय संस्कार है, काया का क्या संस्कार हो गया? तुमको आइसक्रीम पसंद है तो उस आइसक्रीम की इच्छा में, जैसे किसी शादी में चले जाओ, वहां कहा जाता है कि प्लेट के हिसाब से हमने पैसे दिए हैं, तो एक ही प्लेट को, यदि बहुत सख्त है तो एक ही प्लेट को हम 10 स्टॉल पर लेके जाते हैं कि नहीं, कि लिफाफे में दिया हुआ पूरा पैसा वसूल हो करके सोचते हैं कि नहीं, तो उसके लिए जितनी चहलकदमी करते हैं, जितना चलते हैं, किसे तृप्त करने के लिए? इस जिह्वा को, इस धन को, इस शरीर की क्षमता, शरीर की तृष्णा को खत्म करने के लिए। तो ये सारे इस काया से सजग होने वाले संस्कार है। ठीक है, वाणी के संस्कार, किसी ने गाली दी, सुना किसने है? इस कान ने सुना है। रिप्लाई कहां से आया है? शब्द से रिप्लाई आया है, कैसे? गाली देकर। नाच रहे हैं, गाना चढ़ रहा है, बहुत सुंदर गाना चल रहा है, सुंदर गाना चलते ही तुम्हारे मन से वाह क्या सुंदर गाना है, मंत्रमुग्ध हो गया, प्रशंसा का संस्कार निकला है। कहां से निकला है? वाणी से निकला किसी की प्रशंसा कर दी तो संस्कार कैसे? कि उसने मुझ पर उपकार किया। ये सभी संस्कार, काया वाणी और मन के सभी संस्कार इन 6 आयतनों से आश्रित है। आंख कान नाक जीवा त्वचा या शरीर और मन, इन्हीं के कारण ये संस्कार बनते हैं, इन्हीं के कारण बनते। कैसे? तो काया से, काया से शरीर, शरीर से वाणी, वचन का और चित्त का। चित्त का कैसे? जो जो चिंतन करते रहते हैं, तो कल्पना करते रहते हैं, चल रहा है मन में, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है ना? जैसे ध्यान के लिए बैठ गए, ध्यान के लिए बैठने के बाद बोलते सांस के ऊपर ध्यान दो, तो हम अपनी सांस के ऊपर ध्यान देते हैं कि मेरी सांस ने पिछली बार मुझे कपड़े लिए थे, इस बार मुझे कपड़े नहीं लिए, नया जगह तो उसको दी। सांस अपनी सांस तो नहीं, उसकी सांस के बारे में, मेरे दोस्त की सांस अच्छी है करके उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, है ना? ऐसा होता है कि नहीं? तो वो सांस का तो अलग भाव हो गया, वो नहीं, या फिर मेरी सांस ऐसी है कि वो मुझे तकलीफ ही देती है, उस तरह से देखते हैं। नहीं, तो मन को कुछ बताते ही मन कहाँ चले गया? पेरिस चले जाता है। अभी तक तो कभी शरीर से नहीं गया आदमी, परंतु पेरिस कहते ही हमारे मन में वो एफिल टावर आ जाएगा, फिर उससे जुड़ी हुई जितनी मूवीज हैं वो याद आ जाएगी, मन का भागना है ना, वो सारे के सारे चित्त के संस्कार बनते। कैसे होता है उस चित्त के संस्कारों में? कैसे हो गया? मन चला गया तो फिर मन में क्या भाव जागता है? कि मुझे पेरिस जाना है, मैं पेरिस जाने के लिए पैसे को जोड़ना शुरू करूंगा, उसके लिए वो एफर्ट करता है, उसके लिए कोशिश करता है, यही सब होता है कि नहीं? इसको कहते हैं चित्त का संस्कार। स्वयं गया नहीं ना, अभी शरीर ने देखा नहीं है, स्वयं अनुभव नहीं किया है, परंतु वीडियो में देखते समय किसी ने प्रशंसा कर दी तो आंख से ही कान से ही ये अनुभव हुआ है। स्वयं हमने अपने शरीर से भोगा नहीं, परंतु उसको भोगने के लिए चित्त ने जो संस्कार बनाया है, चिंतन किया है,
उसे कहते हैं चित्त संतान। ये बनते कैसे हैं? अविद्या के कारण बनते हैं। सारिपुत्र बंते जी कहते हैं कि इसे यदि कोई ज्ञात कर ले, इसे कोई जान जाए, तो क्या होगा कि वह व्यक्ति श्रोता बन जाएगा। इस संस्कार को दूर करने का एक ही तरीका है, क्या है? आर्यष्टांगिक मार्ग। फिर सारिपुत्र बंते जी को पूछते, बंते जी इसके अलावा भी कोई तरीका है? कहते हैं कि सारे तो कहते हाँ, एक और तरीका है। कौन सा तरीका? तो कहते हैं यतो खो आओ सो आर्य सावको अविद्यां च पजानाति। अविद्यां च पजानाति यानी अविद्या को जान जाता है। यह अविद्या क्या है? इसे जान जाता है, समझ रहे? अविद्या समुदयं च पजानाति, अविद्या का समुदय, अविद्या बनती कैसे है इसे जान जाता है। अविद्या निरोधं च पजानाति, अविद्या का निरोध कैसे उसे जान जाता है। और उसे दूर करने का मार्ग क्या है इसे जान जाता है। समझ लो ना, कोई एक व्यक्ति है, डॉक्टर है, आप उसके पास गए तो वो क्या करेगा? देखेगा आपको, यहाँ लगा कर देखेगा, वो एक एक पूछेगा, प्रश्न पूछेगा, खाना सब पूछेगा, क्या कर रहा है, ये जो रोग उत्पन्न हुआ ये कैसे हुआ, इसको कोशिश कर रहा है सोचने के लिए। फिर उस सोचने के लिए कोशिश करने के बाद उसको दूर करने के लिए जो जो तरीके होंगे उन तरीकों को बताने की कोशिश करेगा, और फिर कुछ ऑब्स्टिकल्स बताएगा उस तरह से। तो एक एक सिंपल है, ये धर्म के अनुकूल नहीं है उपदेश, ये केवल एक समझने के लिए कि किसी की जड़ तक पहुंचकर उस जड़ को खत्म करने से उसका जो दोष है वो खत्म हो जाएगा। तो अविद्या ये जड़ है समझो, इसको दूर करने के लिए अविद्या बनती कैसे है, इसको इस अविद्या को दूर कैसे किया जा सकता है, और दूर करने का मार्ग क्या है, इसे कहते हैं भगवान ने। सारिपुत्र बंदे जी कहते हैं कि यदि ये कोई जान जाता है, इसे समझ लेता है, इतने मात्र से वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? श्रोतापन्न कहलाएगा। तो कैसे ये अविद्या बनती है? भगवान सारिपुत्र बंदे जी ने फिर से वही लेकर आए, कहाँ लेकर आए कि यंखो आओ सो दुखे अन्या अन्यान, दुख का ज्ञान न होना, दुख पता नहीं होना क्या है? अविद्या है। दुख नहीं मालूम है तो अविद्या है। दुख ये दुख न जानना, दुख समुदय अज्ञान, दुख का समुदय कैसे होता है न जानना, ये अविद्या है। दुख निरोधे अज्ञान, दुख का निरोध हो सकता है ये न जानना, दुख निरोध गामिनिया पटिपदाय अविन्या अज्ञान, दुख निरोध अगर मुक्ति का मार्ग नहीं जानता। चारों चीजें जब नहीं जानता आदमी, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कि अविद्या। अब देखो ना, किसी का जन्मदिन आए तो बंते जी हमको हैप्पी बर्थडे कहो, क्यों? क्योंकि जन्म दुखदाई है, हमें बोध है क्या? नहीं, मैं भी यानी मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, जब हमारा जन्मदिन आता है तो हम भी सोचते हैं कि आज हमको चार लोग, कम से कम घर के लोग, हमारे मित्र लोग हमको हैप्पी बर्थडे कहेंगे। अब चाहे वो जन्म कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं, परंतु वो भाव, अभी हम संसार के मोह में बंधे हुए हैं कि नहीं, यही तो अविद्या है, इसी को अविद्या कहा है। देखो ना, हमारा होता है जब कई भूख लग गई है, तकलीफ में है, तो कहते हैं अरे बड़ा दुखदाई है जीवन। जब हमारे घर में विपदा आ जाती है, कोई किसी की मृत्यु हो जाती, तो कहते अरे बड़ा दुखदाई है। आनंद पे जब रहे तो तब नहीं महसूस होता ना कि अरे ये तो दुखदाई है करके। इसी को कहते हैं दुख का ज्ञान न होना। आप जब बहुत खुश हैं तो वो अपने मृत्यु के चिंतन करके देखें, बहुत आनंदित है, अरे मैं तो मरने वाला हूँ, कितना सुंदर है, ऐसा नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उस आनंद के समय तुम्हें दुख का ज्ञान नहीं होता, ये दुख का ज्ञान हमें नहीं होता, इसी कारण से उसे कहा है अविद्या, ये न जानना ही। फिर इस भारत भूमि में सदियों से इस दुख को जानने वाले लोग पैदा हुए। वैराग्य देखो, आज देखो ना, आप गंगा जी के किनारे चले जाओ,
आप उत्तराखंड चले जाओ, हिमाचल चले जाओ, आप ये पूरे क्षेत्र में चले जाओ, अभी महाकुंभ आएगा 25 में, ये सब लोग संसार से, यानी जो भौतिक सुख हम भोग रहे हैं, इन भोग से बाहर पड़ने वाले साधु संन्यासी लोग हैं कि नहीं? क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि दुख नहीं चाहिए अब मुझे, इसी के लिए ये समझ गए। परंतु ये नहीं जानते कि दुख बनता कैसे है। दुख को तो जान लिया, पर दुख बनता कैसे ये नहीं मालूम। दुख का निरोध, दुख को दूर किया जा सकता ये नहीं मालूम, और उसका मार्ग क्या है नहीं मालूम। इसी कारण से मूर्खतावश व्यक्ति पाप को धोता है नदी में, होम हवन आदि करता है, दुष्कर क्रिया, कठिन कार्य, शरीर को प्रताड़ना देने वाला। बहुत सुंदर सूत्र है, एक आगे आएगा, उपाली नाम का सूत्र है, मज्जिम निकाय के अंतिम तीसरे भाग तीसरे खंड में आता है वो। उसमें निगंडनाथ पुत्र इसके बारे में बताया है, कहता है कि ये जो जन्म का जो दुख जो है इसको दूर करना है तो इस पुराने पाप को खत्म करना पड़ेगा। तो पाप को खत्म करना कैसे है? तो अपने शरीर को कोड़े मारो, दुख दो, तकलीफ दो, जितनी तकलीफ सहोगे उतना उतना तुम्हारा पाप खत्म होते जाएगा। नया पुण्य मत करो, कुशल कर्म नया पुण्य मत करो, इससे तुम्हारा पाप खत्म हो जाएगा, पुण्य नहीं होगा, पुण्य भी खत्म हो जाएगा, तुम्हारा दुख खत्म हो जाएगा, तुम मुक्त हो जाओगे। मूर्खता, भगवान कहते हैं ये इसमें भी तो मनोसंचेतना कहाँ गई। शरीर को दुख देकर यदि खत्म किया जा सकता है, उसकी अविद्या कही जा सकती है, तो मन कहाँ है? व्यर्थ की बकवास कहाँ है? ये वाणी का चित वो, तो इसीलिए इसको समझना चाहिए। भगवान कहते सारिपुत्र बंदी इसमें कहते हैं कि जो व्यक्ति दुख को नहीं जानता, दुख समुदाय को नहीं, चारों आर्य सत्य को इकट्ठा, ठीक है, दुख को केवल जान लेने मात्र से पर्याप्त नहीं है। हम देखें ना, पिछले अभी महाकुंभ आएगा, उसमें करोड़ों लोग जाएंगे इस बार, करोड़ों लोग, कम से कम 10 करोड़ लोग के आसपास वहां जाएंगे, पूरा एक राज्य चला जा सकता है इस बार, हो सकता है ना। तो इतने लोगों में अपने पापों को दूर कर कर इस दुख को दूर करने की चेतना तो है ही, यानी इस जीवन में दुख विद्यमान है इतना जानते हैं, परंतु ये दुख बनता कैसे इसे न जानने के कारण अविद्या है। दुख का निरोध हो सकता है इसे न जानना अविद्या है। ये दुख को दूर करने का मार्ग न जानना अविद्या है। इस दुख के निरोध का मार्ग केवल एक ही है, इस अविद्या को दूर करने का मार्ग एक ही है, वो क्या है? आर्य अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। फिर ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है अविद्या को दूर करने का। अविद्या बनती कैसे है? अविद्या बनती कैसे है? अविद्या के बनने के लिए भी तो कोई कारण चाहिए। सारिपुत्र भंते जी कहते हैं ये नहीं कि अविद्या वो समुदाय क्या है अविद्या का, अविद्या बनती कैसे है? तो कहा है आसव समुदाय, आश्रवों के कारण, आश्रवों के कारण अविद्या बनती है। आश्रवों को खत्म कर दे तो अविद्या खत्म हो जाती है। अविद्या को खत्म करना का मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग। फिर सारिपुत्र भंते जी कहते हैं कि ये जो इसके अलावा भी कोई मार्ग है क्या? आश्रवों को खत्म करने, जो अविद्या को खत्म करने के अलावा भी कोई मार्ग है क्या जिससे कोई श्रोतापन्न दुख को दूर करने वाला व्यक्ति बन जाए? सारिपुत्र महंती जी कहते हैं हाँ, एक और मार्ग है। कौन सा? कहते हैं इसमें कि सियाहउ आयुष्मान है। कौन सा? यतो को आउसो अर्य साहब को आसवं च पजानाति, आश्रवों को जान जाता है, आसव समुदाय च पजानाति, आश्रवों के समुदाय को जान जाता है, आसव निरोध का निरोधं च पजानाति, आश्रवों के निरोध को जान जाता है, आसव निरोध गामिनी पटिपदं च, आश्रवों को निरोध के मार्ग को जान जाता है। तो क्या है ये आश्रव? कहते हैं तयो में आउसो आसवा, तीन प्रकार के आश्रव हैं। कौन कौन से आश्रव? कामासव, कामाश्रव है, भवासव, भव का आश्रव है, अविद्यासव, अविद्या का आश्रम है। यदि कोई व्यक्ति इसे जान जाए, कहते हैं अविद्या समुदया आसव समुदय। पहले क्या कहा?
आश्रव के कारण अविद्या बनती है, इसमें कह रहे हैं अविद्या के कारण आश्रव बनते हैं, ये दोनों चीजें जुड़ी हुई, एक दूसरे के कारण जुड़ी हुई। अविद्या है इसीलिए आश्रव बन रहे हैं, आश्रव है इसीलिए अविद्या है। क्या कहते हैं? अविद्या समुदय आश्रव समुदय। इसके पहले क्या कहा था कि अविद्या को दुख करने के लिए क्या है? आश्रव समुदय अविद्या समुदय, आश्रवों के कारण अविद्या बनती है, इसमें कहा गया है अविद्या के कारण ही आश्रव। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उपनाम है ऐसा समझ लो। यदि मेरा ही कोई एक दूसरा नाम है, ठीक है, तो मुझे तुम इस नाम से कहो या इस नाम से पुकारो, दोनों एक जैसा ही है ना, उसी तरह से ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा है, एक ही तरह से है, एक नहीं है, दोनों दोनों एक दूसरे पर आश्रित है, दोनों एक दूसरे के साथ ही चल रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं इसको दूर करने का मार्ग क्या है, आश्रव को, अविद्या के खत्म होने से आश्रव खत्म हो जाते हैं, इसको करने का मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग। आर्य अष्टांगिक मार्ग, ये आश्रव के कारण हम सब दुख भोग रहे हैं ये जान जान जाए, तो अविद्या को क्या बदलता है? जैसे तुम चार आर्य सत्य को प्राप्त कर लेते हो, विद्या हो जाती। इसमें कहा है कि एवं एवं यतोहो आसो आर्य श्रावको एवं आसवं पजानाति, इस तरह से वो आर्य श्रावक आश्रव को जान जाता है, एवं आसव समुदयं पजानाति, आश्रवों के समुदाय को जान जाता है, एवं आसव निरोधं पजानाति, आश्रवों के निरोध को पहचानता है, एवं आसव निरोध गामिनी पटिपदं पजानाति, आश्रवों के निरोध का मार्ग जो है उसे जान जाता है। सो सब सो रागानुसयं पाय, सभी जो राग के अनुसय है उसको दूर कर देता है, राग के जो कन है, राग का जो रज है उसको जानकर दूर कर देता है, पटिगानुसयं पटि विनोदेत्वा, क्रोध का जो है उसे खत्म कर देता है, अस्मि दिट्ठिमानानुसयं समूहंत्वा, जो अस्मि आत्म का भाव है वो दृष्टि जो है मूढ़ से जड़ से उखाड़ कर बाहर कर देता है, अविज्ञं पहाय, अविद्या का प्रहीन होकर विज्ञं उदपादि, विद्या उत्पन्न होती है। फिर दिट्ठेव धम्मे दुख संति करो तो होती, इसी जीवन में देखते ही देखते दुख को दूर करने वाला होता है, एतावतापि को आउसो आर्य श्रावको सम्मा दिट्ठि होती, इतने मात्र से कोई आर्य श्रावक सम्यक दिट्ठिवान हो जाता है, उजुगतस्य दिट्ठिं, अपनी दृष्टि को रुजु किया होने वाला हो जाता है, धम्मे अवेच्य प्रसादेन सम्मन्नागतो, धर्म के प्रति अचल सी श्रद्धा जाग जाती है, आगतो इमं सद्धम्मति, इस धर्म के अंदर आ गया है ऐसा कहा जाता है। विद्या उत्पन्न होने से क्या होगा? अविद्या खत्म होकर विद्या उत्पन्न होती है, विद्या के, हाँ विद्या के इससे एक एक चीजें खत्म खत्म होते होते सारा दुख खत्म हो जाता है ना। जैसे हम पटीच समुत्पाद में देखते हैं, अविद्या यत्वेव शेष निराग विराग निरोधा संखार निरोध, तो ये जो चलते हैं वो उस पूरा का पूरा एक एक चलना शुरू हो जाता है। तो वो इदमोवोच आयस्म सारिपुत्तवत्तमनाते भिक्खु आयस्मतो सारिपुत्तस्य भाषितं अभिनन्दन्ति, यह जो भाषण सारिपुत्त बंते जी ने जो वाक्य कहे इसको सभी बंते जी लोगों ने साधु कहकर अनुमोदन किया। तो ये सम्मादिट्ठि सूत्र है, इस सम्मादिट्ठि सूत्र पर चिंतन करो, जान जाओ, अच्छी तरह से चिंतन मनन करो। देखो सारी चीजें इतनी में कनेक्टेड है, इतनी जुड़ी हुई है आपस में कि वो हमको अलग से पहचानने में बड़ी मुश्किल होती है। ऐसे समझ लो कि ये सर के ऊपर बाल है लंबे से, ठीक है, इन बालों को तुम जुड़ा बना लो, इनकी तुम चोटी बना लो, इनकी तुम एक चोटी बना लो, इनकी दो चोटी बना लो, इनका केवल एक गुच्छा बना के रखो, है तो बालों से ही बना हुआ, तो ये सारा का सारा समूह उसी तरह से बना हुआ है ना। इसको यदि जान जाए तो व्यक्ति दुख से मुक्त हो सकता है। ये सम्मादिट्ठि यानी हम जो कहते हैं ना कि सम्मादिट्ठि सम्मादिट्ठि कहते हैं, तो मैं तो सम्यक दृष्टिवान हूं करते हैं लोग, आप लोग देखो कहते हैं मैं सम्यक दृष्टि में हूँ, सम्मा दिट्ठी सम्मा संकप्प कहते हैं मुझे सम्यक दिट्ठी, ये है सम्यक दिट्ठी,
कोई भी व्यक्ति आप में से कोई कहे कि मैं मेरी सम्यक दृष्टि ये है, मेरे सम्यक संकल्प करके, अनेक लोग देखो ना छोटी छोटी बातों का, मैंने सम्यक संकल्प लिया है कि आज के बाद मैं ये चीजें नहीं करूंगा, कहाँ है वो सम्यक संकल्प? सम्यक दिट्ठी ही नहीं तो सम्यक संकल्प कैसे जागेगा? सम्यक संकल्प क्या है उसे समझना चाहिए। तो भौतिक स्वरूप में हम यदि इस्तेमाल करें, परंतु वो धर्म से यदि कह रहा है तो गलत है, अन्यथा सामान्यतः नहीं, मैंने ऐसा निर्णय लिया है, मैंने ऐसा संकल्प लिया है, मैंने ऐसा प्रण लिया है कि आज के बाद ये नहीं करूंगा, ठीक है। परंतु यदि अपने, मैं बुद्धिस्ट हूं तो अपने किए हुए डिसीजन को यदि कहे कि मैंने सम्यक संकल्प लिया है तो धर्म में, इसीलिए हम नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए उसकी कोशिश नहीं। ये है सम्यक दृष्टि, यदि सम्यक दृष्टिवान बनना है तो ये सम्यक दृष्टि, इन 16 तरह से, इन 16 कलियों कड़ियों को समझ लो, जान जाओ। यदि कोई कहता है कि मैं तो सम्यक दृष्टिवान हो गया, श्रोतापन्न हो गया हो, तो इनका विस्तार करके देख लो, पूछ लो, कोई नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि इतनी आसान नहीं, ठीक है, तो उसको जान जाओ। ये सम्मादिट्ठि सूत्र, ये 9वां सूत्र है, आप सभी को सम्यक दृष्टि की जानने वाला, सत्य को समझने वाला, अविद्या को प्रहान करने के लिए, विद्या की उत्पत्ति के लिए ये सम्मादिट्ठि सूत्र का उपदेश, धर्म श्रवण आप सभी को उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।